Welcome to Geeky Thinker's Story. Here we demonstrate the stories of Mahabharata from modern-day perspectives. प्रिय श्रोताओं, क्या आप मानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर चीज कर्म के लिहाज से आपस में जुड़ी हुई है? जैसा कि कहा जाता है, हर चीज किसी वजह से होती है। क्या आप इसे मानते हैं? अगर याद हो तो तक्षक का उत्तंक के साथ छोटा सा मजाक राजा जनमेजय के सर्पयज्ञ तक ले गया। अब पिछले ऑडियो में हम देखते हैं कि रुरु अपनी पत्नी के दुःख के लिए हर सांप को मार रहा है। आपको क्या लगता है कि यह उसे कहां ले जाएगा? चलिए जानते हैं। जब रुरु हर सांप को मारता जा रहा है, तो एक दिन रुरु एक बड़े वन में जाता है और वहां वह जमीन पर एक बूढ़े डंडुब नामक सांप को पड़ा देखता है। रुरु ने क्रोध में अपनी लाठी उठा ली, जैसे यमदंड उसे मारने के लिए। जब डंडुब ने रुरु से कहा, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, हे ब्राह्मण, आप मुझे इतने क्रोध में क्यों मारना चाहते हैं? जब रुरु ने सुना कि सांप क्या कह रहा है, तो उसने कहा, एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जो मेरे जीवन से प्यारी थी, और मैंने तब शपथ ली कि मैं हर सांप को मारूंगा जिसे मैं देखूंगा। इसलिए अब मैं आपको अपनी लाठी से मारूंगा। डंडुब ने कहा, हे ब्राह्मण, जो सांप इंसानों को काटते हैं, वे हमसे अलग प्रजाति के होते हैं। आपको डंडुबों को क्यों मारना चाहिए, जो केवल नाम से ही सांप हैं? हम उन्हीं विपत्तियों का शिकार होते हैं जिनका दूसरे सांप होते हैं, लेकिन हमारा उनके जैसा विष नहीं होता। हमारे उतने ही दुख होते हैं, लेकिन न ही हमारी उनकी तरह ताकतें होती हैं और न ही खुशियां। आपको डंडुभों को मारना एक गलती है। ऋषि रुरु ने सांप की बात सुनी और देखा कि वह एक सांप की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह कांप रहा है, और उसने उसे नहीं मारा। रुरु ने सांप से पूछा, मुझे बताओ हे डंडुब, आप असल में कौन हो? डंडुब ने कहा, रुरु, मैं एक बार एक ऋषि था और मेरा नाम सहस्रपाद था। एक ब्राह्मण की शाप से मुझे सांप बनना पड़ा। रुरु ने पूछा, ओह, किस वजह से एक ब्राह्मण ने आपको शाप दिया? आपको कब तक सांप बना रहना पड़ेगा? डंडुब ने कहा, बहुत समय पहले मेरा खगाम नाम से एक दोस्त था। उसने अपनी तपस्या से काफी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी और वह क्रोधी और झल्लाहट भरी बातें करता था। एक दिन जब वह अग्निहोत्र कर रहा था, मैंने घास का एक सांप बनाया और मजाक में उसे डराने की कोशिश की। वह डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। चूंकि तुमने मुझे डराने के लिए घास का सांप बनाया, तो तुम भी एक सांप बन जाओ और घास के सांप की तरह शक्तिहीन हो जाओ। तुम्हारे पास विष नहीं होगा। हे मुनि, मैं जानता था कि वह अपनी तपस्या से कितना शक्तिशाली हो गया था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया और दिल धड़कता हुआ कहा, मेरे मित्र, यह तो बस हंसी मजाक करने के लिए था। कृपया मुझे क्षमा कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। मुझे बेचैन देखकर ऋषि दया से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता और तुम्हें सांप बनना होगा। लेकिन मुनि, जब प्रमति का पवित्र हृदय वाला पुत्र रुरु तुम्हारे सामने आएगा, तो श्राप समाप्त हो जाएगा। डंडुब के इस किस्से के अंत में रुरु ने अपनी पहचान उजागर की और डंडुब रुरु की आंखों के सामने रूपांतरित हो गया और वह फिर से एक प्रख्यात दिन की तरह चमकदार ब्राह्मण बन गया। तो देखा, रुरु की बदले की भावना डंडुब को उसके श्राप से मुक्ति दिलाती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि बदला कर्म पर दया नहीं करता, इसलिए रुरु को क्या सजा मिलती है? जानने के लिए आपको हमारे ऑडियो को जारी रखना होगा। फिलहाल हम डंडुब की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डंडुब ने शक्तिशाली और अद्वितीय रुरु से कहा, हे सृजित प्राणियों में श्रेष्ठ,
किसी जीव की जान बचाना सर्वोच्च पुण्य है और किसी भी प्राणी को मारना एक ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। उसका प्रमुख धर्म वेदों का अध्ययन और स्मरण करना होना चाहिए। एक ब्राह्मण हमेशा सौम्य, अहिंसक और क्षमाशील होना चाहिए। प्रिय रुरु, आपको राजा जनमेजय की तरह नहीं आचरण करना चाहिए, जिसने बदला लेने के लिए हजारों सांपों को मारा था, बल्कि आपको ऋषि अस्तिका की तरह आचरण करना चाहिए, जिन्होंने उन शक्तिहीन नागों को सर्पयज्ञ से बचाया। प्रिय श्रोताओं, क्या आपको पिछले ऑडियो से उत्तंक याद है, जिसने जनमेजय को सर्पयज्ञ करने के लिए उकसाया था? अगर नहीं, तो बस पॉडकास्ट प्लेलिस्ट पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और पहला प्रकाशित वीडियो खोलें और वहां से सुनना शुरू करें। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ऑडियो पा सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में सुन सकते हैं। जब डंडुब ने अपनी बात समाप्त की, तो रुरु ने पूछा, राजा जनमेजय सर्पों की नस्ल का सहार क्यों करना चाहता था? अस्तिक ने उन्हें कैसे बचाया और कैसे? मुझे विस्तार से बताओ। दोस्तों, क्या आपने देखा कि कहानी के हर छोटे से हिस्से में एक छोटा सा वर्णक शामिल किया गया है? उदाहरण के लिए, पिछले ऑडियो में रुरु अपनी कहानी का वर्णक था और इस अनुभाग के लिए डंडुब वर्णक है। इसके बाद मुख्य वर्णक स्थिर रहता है, लेकिन गौण वर्णक हर कहानी के साथ बदलता है। जैसे रुरु, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऋषि अस्तिक ने नागों को कैसे बचाया? तो आपको अगले ऑडियो का इंतजार करना होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं।